नेम इज शान बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरोलॉजी। सो गाइस, आज की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा अच्छी गई है एंड जैसे लेवल्स आप लोगों को बताए गए थे एग्जैक्टली उसी लेवल्स के अंदर हम लोगों ने मार्केट को बंद होते हुए देखा है। सो अगर बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, हम लोगों ने बोला था मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहने वाली है और जैसी हमारी ट्रेंड लाइन बॉटम वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट की ब्रेक होगी हम उसी टाइम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर देंगे एंड हमारे जो लोअर लेवल्स थे वो हमारे टारगेट्स होंगे। एग्जैक्टली उसी टारगेट्स को उसने रीच करा, उसके बाद कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर गया था। सो इवेंचुअली आप लोगों ने उसमें प्रॉफिट्स तो कर लिए होंगे। इसके अलावा तीन स्टॉक्स बताए गए थे, पहला प्रिकॉल एक रुपया नीचे गिरा था बट हमें नीचे गिरने का ही इंतजार था, हमें नीचे में बाय करना था उसे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने फाइव इंडिया दिया था, फाइव इंडस्ट्रीज पे क्या हुआ था कि एग्जैक्टली हमारे बाय लेवल के ऊपर खुला, हम लोगों ने बोला था 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी, हम लोग वहाँ पर बाय सेटअप ले लेंगे बट खुलते ही ओपनिंग प्राइस और प्राइस सेम था, हाई प्राइस एंड उसके बाद नीचे आ गया तो उस पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके अलावा रिलायंस इंट्राडे के लिए दिया था तो उस पर हमारा टारगेट अचीव कर गया था, जो भी 70 रुपीज का था 30-22 रुपये ऊपर गया था तो हमारा टारगेट भी अचीव कर गया था। सो ओवरऑल मार्केट कल की अच्छी रही, कल हम लोग 2-4% ऊपर रिटर्न ही ले पाए बट पास्ट में हमारी सारी वीडियोस 5% मिनिमम एक स्टॉक हमारे मिनिमम 5% का रिटर्न देकर जा रही थी। तो पहले बहुत सेशंस अच्छे गए, डेफिनेटली और सेशंस आने वाले टाइम पे और अच्छे होने वाले हैं। अब बात करते हैं तीन स्टॉक्स दोबारा मैं और देने वाला हूँ, तीनों बेटर स्टॉक्स हैं। एक तो मैंने बहुत पहले भी दिया था तो उसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करा, दूसरा स्टॉक मैं अभी लाइव आया था ना तो मैंने वॉच लिस्ट आप लोगों को क्रिएट करके दी थी, उस पर एक स्टॉक और मैंने आपको दिया था और आज भी उसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था तो उसको भी शायद आप लोगों ने याद रखा होगा। अब बात करते हैं कि कल का सिनेरियो कैसे रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक नहीं करेंगे बिकॉज थर्सडे की एक्सपायरी थी तो मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होगी एंड वो लोग कल नई फ्रेश बाय पोजीशन बनाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर कुछ डाटा नहीं है। दूसरी चीज़ FIR डाटा, अब आप लोगों के माइंड में बहुत बार आ रहा होगा कि जब भी आप FIR डाटा मेरे थ्रू यहाँ पर देखते हो तो वो लोग सेलिंग में सेलिंग कर जा रहे हैं, कैश में भी वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या मार्केट और नीचे जा सकती है, क्या यहाँ पर एक हाई पॉइंट बन चुका है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है एंड एक फैक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो मैं आप लोगों के साथ कल वाली वीडियो में शेयर करूंगा, जो डेफिनेटली हमें मार्केट का एक टर्न अराउंड बता सकती है कि नवंबर में एक फॉल आ सकता है या नई या फिर एक नया हाई क्रिएट हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं, सबसे पहला स्टॉक है पराग मिल्क। ये मैंने आप लोगों को अपनी लाइव में वॉच लिस्ट क्रिएट करवाई थी नवंबर के लिए, इस वीक के लिए, एंड डेफिनेटली स्टॉक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अराउंड ये था 137 के आसपास। आज इसने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया एंड बहुत अच्छी मोमेंटम इसने करी है तो कुछ पैटर्न्स का ब्रेकआउट करा है। सो लेट मी शो यू। सबसे पहले अगर आप लोग वॉच करोगे तो हम लोगों ने ये एक जोन क्रिएट करा हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रही थी। सो डेफिनेटली इसने ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट करा ऑन अ लोअर साइड और बहुत बड़ी गिरावट भी आप लोग देख सकते हैं, 280-270 के लेवल्स आई थी एंड ऑलमोस्ट फॉल आया था 47 रुपीज तक। उसके बाद बहुत टाइम कंसोलिडेट करा एंड फाइनली इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन पे दिया है वॉल्यूम्स के साथ। अब यहाँ पर आपने एक पैटर्न तो समझ लिया कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, दूसरा पैटर्न भी हम लोग आपको समझाते हैं। अब आप देखेंगे जब मैंने ट्रेंड लाइन हटाई है तो आपको को यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी हमें लॉन्ग टर्म का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड। इसके अलावा और शॉर्टर टाइम फ्रेम भी अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड बहुत अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अभी करंट प्राइस इसका एग्जैक्टली चल रहा है 155 रुपीज़ का। जब स्टॉक पे एक फॉल आना स्टार्ट हुई थी, जब उसने फॉर्मेशन करना स्टार्ट करा था अपने लेफ्ट शोल्डर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने को, तो आप देख सकते हैं उसका हाई था 157.55 रुपीज़ का एंड वहाँ से फिर एक हम लोगों ने शार्प फॉल देखी थी जो कि 110 तक भी आ गई थी। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि शायद एक छोटा सा हर्डल ये एक्ट कर सकता है जो कि 2-2.5 रुपये ऊपर है, बट फाइनली अगर इसका एक ब्रेकआउट होता है ना तो ये बहुत अच्छी मोमेंटम दिखा सकता है एंड ऑलमोस्ट अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो ये 170-180 तक मिनिमम जा सकता है। अब इस पर करना क्या है आपको, अब ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है, सो डेफिनेटली अगर इस पर कोई डिप आती हो ना ट्रेडिंग सेशन कल के ट्रेडिंग सेशन पे तो आप लोग नेक्स्ट वीक के लिए इसे एज ए स्विंग ट्रेड लेकर चल सकते हैं एंड ऑलमोस्ट अच्छे रिटर्न्स ये आने वाले हफ्ते के अंदर दिखा सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट देता है, मतलब कल ऑन अ रेगुलर बेसिस ये ऊपर जा रहा होता है
तो आप लोग कल कुछ क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं, एंड ब्रेकआउट होने के बाद अगर आधा घंटा उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपनी रिमेनिंग क्वांटिटीज को और एड ऑन कर सकते हैं। जो मैं अल्टीमेट टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट शुड बी बाय 200 रुपीज का लेवल। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे हम लोगों ने 200 रुपीज का लेवल निकाला है। तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने एक जोन क्रिएट करा हुआ है जहाँ पर मल्टीपल इसने सपोर्ट्स लिए थे, एंड जैसे वो सपोर्ट ब्रेक हुआ था वैसे वो 240 रुपीज तक चला गया था। सो डेफिनेटली ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को। स्टॉक का नाम है पराग मिल्क। आई होप आपको ये स्टॉक समझ में आया होगा एंड आपने इसके थ्रू कुछ सीख लिया होगा कौन से पैटर्न्स एक स्टॉक बना सकता है। सो गाइस हमारा दूसरा स्टॉक है थर्मैक्स। थर्मैक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वॉचलिस्ट के अंदर बहुत पहले से ही ऐड करवा रखा है, एंड हम लोगों ने इस लेवल्स पे इसके ऊपर बाय करने के बारे में भी डिसीजन लिया था, बट इसके ऊपर जा नहीं पाया, एंड फाइनली इसने एक बहुत बड़ा गैप अप आज की ट्रेडिंग खोला और ऊपर चला गया। तो हमारे लिए इसमें बाय सेटअप जनरेट नहीं हो, बाय सेटअप जनरेट हो गया बट हम लोग एंट्री नहीं ले पाते थे इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि हमारा इस लेवल पे बाय था एंड वो ऑब्वियसली गैप अप खोला। अब स्टॉक को समझेगा कि मैं स्टॉक आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा था इस वीक स्ट्रक्चर होने के बाद भी। तो अगर आपको मैंने एक पैटर्न बहुत पहले एक बार बताया था वॉलेटिलिटी एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, उसको अगर वॉल्यूम्स के साथ क्लब करते हो ना तो हम लोग एक ऐसा लेवल फाइंड कर सकते हैं जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्युमुलेशन कर रहे हैं एंड वो लोग बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर आप इस बात को ध्यान देना, ये स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो इसको जरूर समझेगा। एक एंट्री लेवल जब तक परफेक्ट आपको ना मिले तब तक इस पर ट्रेड नहीं करना। मैं बताऊंगा क्या हो सकता है यहाँ पे। आप देखेंगे ये मैंने एक ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट कर रखा है, एक हाइस को कनेक्ट करते हुए एंड सारे लोस को कनेक्ट करते हुए। हुआ क्या है, स्टॉक किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था, लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फॉल आया, एक पुल बैक दिया, अगेन एक फॉल आया, अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक करा, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था। एंड अगर आप इस कंसोलिडेशन को देखोगे और आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपके माइंड में ये बात आएगी कि यहाँ पर एक फॉल एक्सपेक्टेड है और फॉल और आ सकता है, बिकॉज आफ्टर अ टू बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करी एंड यहीं पर ही लोअर लेवल्स पे क्लोज करा। सो डेफिनेटली एक फॉल एक्सपेक्टेड था एंड ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस ही लोअर लोज एंड लोअर हाइस इस फ्रेम के अंदर बना रहा था। बट अगर आप वॉल्यूम्स को चेक करोगे सो वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे बट कैंडल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही थी और बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल हो रही थी कैंडल्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल्स बहुत बड़ी बनती थी, फिर 3-4 दिन छोटी कैंडल्स बनती थी एंड पैटर्न इनर पैटर्न बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब वॉलीटिलिटी ज़्यादा हो रही थी उसके बाद बहुत तेज़ी से कम हो रही थी वॉलीटिलिटी, ठीक है। तो ये प्राइस और वॉलीटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अगर हम वॉल्यूम्स को चेक कर रहे थे, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो यहाँ पर इस लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनल्स एक्यूमुलेट कर रहे थे एंड लेवल्स का वेट कर रहे थे यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने का। फाइनली एक बहुत बड़ी अपमूव आ गई है एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल्स, और मतलब अगर हम उनके बेसिस पे सोचें क्योंकि वही पैसा लगा रहा है तो उसकी वजह से मार्केट मूव कर रही है। सो अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, आपके माइंड में ये वाली बात भी आ रही होगी कि वॉल्यूम्स बहुत बड़े हैं, बहुत तेजी से राइज करें तो डेफिनेटली एक अपमूव आ सकती है। बट यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, अगर हम उनकी लैंग्वेज में समझूँ, अगर मैं उन लोगों की लैंग्वेज में समझूँ तो उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा अगर उन लोगों ने इस लेवल पर बाय करी और इतनी बड़ी उन्हें मूवमेंट मिली है ना, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि डेफिनेटली वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं और वो स्टॉक यहाँ से दोबारा नीचे जा सकता है एंड पूरा नीचे जा सकता है। तो इस बात को समझना जहाँ पर हम लोग बाय करने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ पर वो लोग सेल करने के बारे में सोचते हैं। सो इस बात को आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, ये एक ट्रेड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब बढ़िया लेवल का है जहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल भी सेल नहीं करना चाहेंगे एंड वो लोग भी एक बाइंग जोन के अंदर है, वो रेंज आती है, ये आप येलो कलर का जोन देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना रखा है। इसके ऊपर जब ये 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज करेगी तब हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट करेगा एंड उसके नीचे नहीं आना चाहिए, जोन के ऊपर जैसी ब्रेकआउट दे नीचे नहीं आना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली वो लोग एक साल मार्केट प्राइस पे मार्केट ऑर्डर पे वो लोग अपनी क्वान्टिटीज को एग्जिट नहीं कर सकते, उन्हें लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है क्योंकि क्वान्टिटीज बहुत हैवीज होती है, लैक्स करोड़ के अंदर क्वान्टिटीज होती है। सो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर लेगा तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि उनके लिमिट ऑर्डर्स अभी भी इस लेवल पे नहीं है, एक अपमूव और एक्सपेक्टेड वो लोग कर रहे हैं एंड वो अपमूव को कैप्चर करने के बाद हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। सो मैं एक बार 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पर देख सकते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो हमारे लिए जो लेवल लेकर के आ रहा है दैट इज 15,445 रुपीज का, 1545। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा सस्टेन करेगा तब हमें अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बट अगर 30 मिनट्स की कैंडल बहुत ऊपर बनती है और बहुत बुलिश कैंडल बन जाती है
तो हम इस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, वीक इस पे कैसे हम आइडेंटिफाई करना है कि ये वो लोग इस लेवल पे सेल कर रहे हैं तो हम लोग भी कर पाए। कल इतनी बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं होगी, हमें कल के कल एक डिसीजन मिल जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल से यहाँ पर लिमिट ऑर्डर क्रिएट करा हुआ या नहीं करा हुआ, फिर हम लोग मंडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ और समझाने के लिए है, तो मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, एंड मैं ऐसे वेबिनार्स और कंडक्ट करने वाला हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशनल वर्सेज रिटेल कैसे कॉम्पीट करना है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। सो हमारा जो थर्ड स्टॉक है दैट इज कोचिन शिपयार्ड। अब कोचिन शिपयार्ड का अगर आप ये चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये बिल्कुल नेकेड चार्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर कुछ खास नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड करने के लिए। यस गाइस, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट इस लेवल्स पे मतलब लास्ट फ्यू डेज के अंदर इस पे कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो हम लोग पास्ट को तो स्टडी नहीं करेंगे, कोई ट्रेंड लाइंस नथिंग कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर हम लोग पास आते हैं सो यहाँ पर अपनी अब एक एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है। एक एक कैंडल की साइकोलॉजी को आप लोग अच्छे से समझना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक फॉल आया, पुल बैक लिया, अगेन इट गेव अ वेरी गुड फॉल, एक पुल बैक लिया, दोबारा एक फॉल आया, ठीक है। तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये लोअर लोज है, लोअर हाइज मेंटेन कर रहा था। मैंने आप लोगों को ना बहुत पहले एक ये चीज़ बताई थी कि इस तरीके से मार्केट काम करती है। लेट मी शो यू, मैं एक पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो मैं इसको यूज़ कर यस। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से जनरली काम करता है। सबसे पहले एक ड्रॉप होता है, ठीक है, हम लोगों को एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ये देख रहे हैं, एक ड्रॉप हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद ये ना क्या करता है, एक बेस क्रिएट करता है, एंड बेस क्रिएट करने के बाद एक रैली आती है। तीन तरीके से ये काम करता है, एक तो ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, मतलब वो कंटिन्यूएशन हो गया। अब यहाँ पर तो क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, बेस कोई क्रिएट नहीं हो रहा था, उसके बाद एक ड्रॉप हो रहा था एंड बहुत बढ़िया ड्रॉप था। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर अब ये कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी ब्रेकआउट अप मूव आ सकती है एंड अपने प्रीवियस हाइस तक ये जा सकता है। अब कैसे हम लोग ये ज़ूम करके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सो लेट मी शो यू। अब आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एंड बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इसने बनाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हर्डल हम लोगों को इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। व्हिच लेवल इज दिस, दिस जस्ट गिव मी अ सेकंड, देख सकते हैं यहाँ पर एक हर्डल हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डबल टॉप क्रिएट हुआ है। बट हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। आप देखेंगे एक बहुत ज़्यादा शार्प फॉल आती है, मतलब ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस शार्प फॉल आती है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, एक बेस क्रिएट करता है, एक रैली आती है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉल आया, एक वी शेप रिकवरी के साथ बाइंग आई है, यहाँ पर एक फॉल आया, यहाँ पर वी शेप रिकवरी के साथ बाइंग आई है। अब आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है, आप इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यस, इस लेवल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाली कैंडल देख रहे हो जो इतनी बड़ी विक कैंडल हम लोगों को देखने को मिली है, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड गैप अप, गैप अप के साथ बहुत अच्छी ऊपर गया। ऊपर इतना ज़्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर था एट दिस पर्टिकुलर लेवल, और एक बहुत तेजी का फॉल आ गया एंड अपने लोअर लेवल्स पे क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, अगले दिन एक दोबारा गैप अप दिया। अब देखिए इस सिनेरियो पे क्या होता है ना, जब ऊपर इतने ज़्यादा हैवी सेलर्स बैठे होते हैं तो वहाँ से बहुत तेज़ी से फॉल आता है, अगले दिन एक गैप डाउन के साथ स्टॉक नीचे जाना काम करता है। बट बायर्स इस लेवल पे, एग्जैक्टली एट दिस लेवल बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि वहाँ पर एक दोबारा गैप अप ओपनिंग मार्केट में हुई अगले दिन, एंड वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जाता रहा। आज के ट्रेडिंग कैंडल अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि अपने जो विक थी जहाँ पर हैवी सेलिंग प्रेशर आया था, एग्जैक्टली आज उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी, और उससे थोड़ा एग्जैक्टली उस लेवल पर इसने क्लोजिंग करी है। सो अगर कल इसके ऊपर ही निकलता है तो हम लोग एक्सपेक्टेड रखेंगे कि जो सेलर्स थे वो लोग ट्रैप हो गए हैं, एंड जो बायर्स थे वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब आप देखोगे कि वॉल्यूम्स ऑन अ स्टेबल थे, इस लेवल्स पे वॉल्यूम स्टेबल थे, इस कैंडल पे वॉल्यूम राइज हुए बहुत तेजी से, एंड ये जो बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी और वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ, आफ्टर दैट कंसोलिडेशन हुआ, और आज की कैंडल भी बहुत अच्छी बनी है। सो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो हमें एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकआउट आने वाला है। कल नहीं आता, परसों नहीं आता, बट ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है इस लेवल से नीचे, इस लेवल से नीचे ये नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग इस लेवल के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड अपने टारगेट्स रख सकते हैं इस लेवल्स के आसपास, कि जनरली इस लेवल तक हमारा स्टॉक आ सकता है और रीच कर सकता है, जो कि 410 रुपीज़ के आसपास है। तो
स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा। कुछ साइकोलॉजी बेसिस में आप लोगों को ये आज की वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ सीखने और समझने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसके अलावा मैंने एक डाउ जोन्स के अंदर भी ट्रेड ले रखा है यूएस 30 के अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रीजन की वजह से ले रखा था, अभी भी ट्रेड चल ही रहा है। चलते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड यहाँ पर हम लोगों ने कल एक जो डिसीजन लिया था वो ये था कि ये रेंज हम लोगों ने डिसाइड करी थी कि इस रेंज के अंदर हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेता है इस रेंज में, ठीक है। एंड जैसे ये लेवल ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारे जो टारगेट्स होंगे वो ये लेवल होगा। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है हमारा सेकेंड टारगेट ये लेवल होगा। बट डेफिनेटली एग्जैक्टली इस लेवल पे लिया तो मतलब 17,800 को इसने रिस्पेक्ट करा एंड उसके बाद वो ऊपर चला गया। सो अभी इस नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपायरी के लिए 17,800 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है एंड 18,130 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर लोअर लेवल 17,800 के नीचे चले जाता है तो हम लोग एक्सपायरी ऑन अ डाउन साइड ही देख सकते हैं। और अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे या मंडे, बस दो दिन की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे एंड मंडे को अगर ये ऊपर नहीं गया, मतलब 18,000 को इसने क्रॉस नहीं करा, 18,030-40 को क्रॉस नहीं करा, तो हमारी जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी होने वाली है वो 18,130 के नीचे होने वाली है। और तब हम लोग ट्यूसडे को एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी करेंगे जिसपे हम लोग मान के चलेंगे कि 18,130 के ऊपर नहीं जाएगी, तब हम लोग एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 50,000 से अंडर की वो कैपिटल यूज होगी वो स्ट्रैटेजी पे, तो आप लोग तब तक वो अमाउंट सेव करके रखना, हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। अब क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर है, अगर कल एक बड़ी कैंडल बनती है, एक बड़ी मूवमेंट आती है, तो डेफिनेटली हम लोग एक बाय के बारे में सोच सकते हैं। हमें एक फ्राइडे या मंडे को एक बड़ी कैंडल चाहिए जो कि 18,040 के ऊपर जाके क्लोजिंग करे। अगर नहीं होती है तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि एक दोबारा फॉल आ सकती है, तो आपको 17,600 के आसपास भी आ सकती है, ठीक है। इस बात को याद रखना क्योंकि ऑल बहुत टाइम से FIIs सेलिंग कर रहे हैं एंड ऑप्शन एंड फ्यूचर डेरिवेटिव्स में बहुत बहुत ज़्यादा वो लोग ऑन सेल साइड पे है, तो इस बात को याद रखना। बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने यही कहा था कि जैसी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम लोगों को शॉर्ट नहीं करना, बट ये जब रेंज टूटेगी, हम जैसी ये रेंज टूटेगी हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,868 पे हम लोगों ने शॉर्ट मेंटेन करा, यही हमारा टारगेट था। एग्जैक्टली हमारा टारगेट रीच करा, 500 पॉइंट्स का वो टारगेट था गाइस, और वो रीच करा। ये टारगेट कैसे फाइंड करा गया था, एग्जैक्टली अपने प्रीवियस लो पे। सो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया टारगेट रहा, बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिली है। बट अब जब ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा ना, जो कि 38,300 का होना डाउन साइड है, अगर ये ब्रेक कर गया तो हम लोगों को एक हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसके ऊपर निकल गया 39,223 के ऊपर, तो हम लोगों को एक अच्छी बाइक देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए जो मैं मान के चल रहा हूँ, जो मतलब नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए जो एक रेंज डिसाइड हुई है, वो रेंज डिसाइड हुआ है ये 39,200 की और 38,300 रुपीज़ की। इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है नेक्स्ट वीक, ठीक है। बट अगर जब तक एक बड़ी बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल नहीं दिखती है इन बिटवीन इन डेज, तब तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकती है। अभी हम लोग रेंज के अंदर ही ट्रेड करेंगे, रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग आयरन बटरफ्लाई या हम लोग कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो यही था मार्केट का स्ट्रक्चर। एक बार यूएस 30 में आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था उसको। ओके, सो ये अभी मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है। अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो इस पर एक पैटर्न बना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फॉल आया आफ्टर अ वेरी गुड फॉल, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, एक फॉल आता है, ये एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद एक ब्रेकडाउन देता है, हेवी ब्रेकडाउन देता है, फिर अपने सपोर्ट पे आया, एक कंसोलिडेट कर रहे हैं, दोबारा इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रहे हैं, ये टारगेट एक्सपेक्टेड है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर ना बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न बना है। अब वुल्फ वेव पैटर्न क्या होता है, लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड फॉल, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में ब्रेकआउट देता है, फॉल्स ब्रेकआउट एंड एक फिर बहुत बड़ी गिरावट आती है। सेम गोज विद हेयर, यहाँ पर भी वुल्फ वेव पैटर्न बना है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं आप, एक फर्स्ट वेव, सॉरी ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव में ब्रेकआउट, यहाँ पर लोग ट्रैप हुए और उसके बाद एक बहुत बड़ी फॉल आई है, ठीक है। तो मेरे टारगेट्स ये हैं एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से आ सकते हैं ये, तो मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा मैंने शॉर्ट कहाँ करा। हम लोगों ने देखा था ये एक बहुत बड़ी फॉल आई, ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं करा मैंने, ये टॉप और ये बॉटम का फिबोनाची ड्रॉ करा, एग्जैक्टली 50% पे आया,
वहां पर कंसोलिडेट करा, इस लेवल पे मैंने शॉर्ट करा, ये मेरे टारगेट्स है एंड अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा है ये। सो इसको वॉच कर सकते हैं, मेरे टारगेट है 39,939.40 के आसपास, वहां पर मैं अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को भी आप लेकर चल सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे गाइस जरा के जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को ऑन अ डेली बेसिस देखने को मिल रहा है, कुछ स्टॉक्स रिकमेंडेशंस भी वहां पर आती हैं। इसके अलावा आप लोगों को मार्केट या इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो हम इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, वहां पर भी आप लोगों का मन लगा रहेगा। बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।